फ्रेंड, आज हम लोग कटहल की सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, कटहल को हमने काट के धो लिया है और चलिए हम लोग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हम लोग गरम मसाले डाल के चटकने लगा है और इसमें हम लोग लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगा देंगे। इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मिला लेते हैं और यहाँ पे हम खड़ा लाल मिर्च का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे 3 लाल मिर्च लिए हैं, तोड़ लिए हैं इसे, और इसमें तड़का लगा लेंगे और इसे हम लोग चला के फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम लोग नमक डाले थे ताकि जल्दी से प्याज सॉफ्ट हो जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा जो भी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग कवर कर देंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग कटहल को डालेंगे, फ्राई करेंगे और कटहल को अच्छे से फ्राई करेंगे, तभी इसका टेस्ट अच्छा से आएगा। तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप फ्राई कीजिएगा, इससे सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए, हम लोग इसे कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं। तो फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो चलिए, अब इसमें ये मसाले यूज कर लेते हैं। तो मसाले में हमने ये चिकन मसाला और हल्दी पाउडर लिया। बस इतना ही मसाला यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने खड़ा मसाला भी डाला है। मिला देंगे और थोड़ा सा हम लोग पानी भी डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं मसाले को। फ्रेंड देखिए, मसाले भून के रेडी हो चुका है। चलिए, इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यूज करेंगे पानी, क्योंकि सूखा बनाना है। तो आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, आपको ग्रेवी अगर चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए, अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 से 4 सीटी लगाएंगे। अच्छे से कुक करना है, क्योंकि कटहल है, कच्चा रहेगा तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो चलिए, इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कटहल की सब्जी बनके रेडी हो गया। कैसा लगा रेसिपी कमेंट